चिड़िया रात में और उल्लू दिन में नहीं देख सकता। ये बात हमें काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि इंसान दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। हालांकि हम रात को दिन जितना अच्छा नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम कम रोशनी में भी काफ़ी अच्छा देख लेते हैं। तो फिर चिड़िया रात को और उल्लू दिन में क्यों नहीं देख पाता, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। इंसानी आंखों में रॉड्स और कॉन्स नामक दो तरह के सेल होते हैं। रॉड्स जो रात को या फिर कम रोशनी में देखने के काम आते हैं, और कॉन्स जो दिन में या फिर ज़्यादा रोशनी में देखने में हमारी मदद करते हैं। ये बात चिड़िया और उल्लू समेत बाकी कई जीवों पर भी लागू होती है। चिड़िया को दिन का और उल्लू को रात का प्राणी माना जाता है, क्योंकि चिड़िया दिन में अपना दाना पानी खोजती है और उल्लू रात को शिकार पर निकलता है। इसीलिए चिड़िया की आंखों में कुदरती रूप से ही रात को देखने वाले रॉड सेल बहुत कम होते हैं, जिस कारण वो रात के समय में इतनी अच्छी तरह से नहीं देख पाती। तो वहीं दूसरी तरफ उल्लू की आंखों में दिन में देखने वाले कॉर्न सेल बहुत कम होते हैं, जिस कारण वो दिन में अच्छी तरह से नहीं देख पाता। लेकिन उल्लू की आंखों में रात को देखने वाले रॉड सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण वो रात को इंसानों के मुकाबले 40 से 50 गुना ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाता है। ये तो हुई पक्षियों की बात, लेकिन क्या हो अगर हमारी आंखों में मौजूद रॉड्स या फिर कॉर्न सेल काम करना बंद कर दें, तो क्या हम भी उल्लू या चिड़िया की तरह हो जाएंगे जो सिर्फ आधा समय ही देख पाते हैं? तो इस सवाल का जवाब हाँ है, और ऐसी परेशानियाँ असल में लोगों को आती भी हैं। आपने नाइट ब्लाइंडनेस या फिर अंधराता का नाम तो सुना ही होगा। ये बीमारी तभी होती है जब हमारी आंखों के रात को देखने वाले रॉड सेल किसी कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण पीड़ित इंसान रात को या फिर कम रोशनी में नहीं देख पाता। इसके उलट जब दिन में देखने वाले कॉर्न सेल गड़बड़ी करते हैं, तो हम कलर ब्लाइंड हो जाते हैं और रंगों को ठीक तरह से पहचान नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रंगों को पहचानने का काम भी कॉर्न सेल का ही होता है। कॉर्न सेल तीन तरह के होते हैं, नीले, हरे और लाल। अगर इनमें से कोई एक सेल गड़बड़ी करता है, तो हम रंगों को अलग शेड में देखने लग जाते हैं, और अगर ये तीनों सेल्स गड़बड़ी कर जाएं, तो हमें दुनिया एकदम ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगी। कॉर्न सेल के गड़बड़ी करने पर कुछ हालतों में ज़्यादा रोशनी में देखने में भी दिक्कत आने लगती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ जीव दिन में या रात में इतना अच्छा नहीं देख पाते, और साथ ही आप कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस के असली कारण को भी समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।